हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? माय नेम इज सोहेल मंसूरी एंड यू आर वाचिंग मंसूरी क्लासेस। तो कैसे हो मेरे बच्चा पार्टी? सभी लोग ठीक होंगे मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं, और यहां से लेक्चर का आनंद ले रहे होंगे। भाई, आप लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज के मेरे लेक्चर की शुरुआत करता हूँ मैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर फर्स्ट डिस्कस किया था, और वहां से हम लोगों ने देखा था कि इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो, आज के लेक्चर में और आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब तीन लेक्चर तो आपका बेस बनाने में लग जाएगा। फिर हम लोग शुरू करेंगे वीबीटी क्या होता है, सीएफटी क्या होती है, एमओटी क्या होती है, एलएफटी क्या होती है, वगैरह वगैरह वगैरह, ढेर सारी बातें हैं। बहुत लंबा चैप्टर है, सो सुकून से पढ़ेंगे इसको। सो आप सब लोग ठीक होंगे। देखो, कुछ दिनों बाद, मतलब कल ही लास्ट 31 तारीख है, फिर 2020 निकल जाएगा। भाई, 2020 के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपने को परेशानियों का सामना उठाना पड़ा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब आप लोगों को 1 तारीख से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है भाई, और ऐसा पढ़ना है भाई कि कुछ करके दिखाना है। केमिस्ट्री के अंदर तो कुछ करके दिखाना है। अगर आप लोग लेक्चर यहाँ से देख रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ आप लोगों के आउट ऑफ 100 कम से कम मोर देन 80 नंबर आने चाहिए, तब तो आएगा मजा पढ़ने का। अब आप लोग लेक्चर भी देखते हो, आपको सब याद भी रहता है, आप लोग घर पे लिखने की प्रैक्टिस किया करो, ठीक है? चलो, लिखने की सब लोग प्रैक्टिस किया करो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 2, तो सब लोग ध्यान से देखिएगा। इस लेक्चर नंबर 2 में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, और यह लेक्चर भाई बड़ा शानदार होने वाला है। सो मैं आप लोगों से गुजारिश इतनी सी करूंगा कि जो लेक्चर नंबर 2 मैंने बनाया है, जो लेक्चर नंबर 2 में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें आप लोग समझना। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मेटल, व्हाट इज मेटल आयन, एंड व्हाट इज लिगेंड क्या होता है, टाइप्स ऑफ लिगेंड क्या होते हैं, क्या डबल सोल्ट होता है, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डाल देंगे हेडिंग एक सेकेंड, थोड़ा पानी पी लेता हूं जी। देखना जी, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी पहली जो हेडिंग है वो है एडिशन कंपाउंड। ओके, चलो देखना भाई, बड़ा शानदार टॉपिक है। या हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो, एडिशन का मतलब समझते हो भाई, योगात्मक यौगिक। ओके, चलो देखो, बेसिकली जो एडिशन कंपाउंड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते, अगर हम लोग दो या दो से अधिक सोल्ट को आपस में मिला दे, हम लोग दो या दो से अधिक सोल्ट को आपस में मिला दे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में स्टेबल होते हैं। दो या दो से अधिक सोल्ट को आपस में मिला दे तो वो क्रिस्टल फॉर्म में स्टेबल होते हैं, और एक्वस फॉर्म में भी स्टेबल रहते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सो बेसिकली एडिशन कंपाउंड उन कंपाउंड को कहा जाता है जब हम लोग दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाते हैं तो एडिशन कंपाउंड बनता है। जब दो या दो से अधिक लवणों को आपस में मिलाते हैं तो एडिशन कंपाउंड बनता है, जो कि स्टेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल और इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, देखना जी, तो एडिशन कंपाउंड क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सोल्ट को आपस में मिलाया जाता है तो एक प्रकार का एडिशन कंपाउंड प्राप्त होता है। और एडिशन कंपाउंड बेसिकली दो प्रकार के होते, ये इंपॉर्टेंट कहानी होती है। एडिशन कंपाउंड बेसिकली दो प्रकार के होते, आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विक लवण डबल सोल्ट, एक तो होता है डबल सोल्ट और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, आप लोग समझना जी, समझने की कोशिश करना पूरी, सब समझ में आएगा, गारंटी देके बोलता हूं सब समझ में आएगा अगर आप लोग नोटबुक पेन साथ में लेके बैठोगे तो। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की क्या कहानी होती है, कुछ मैंने आपको कल बता दिया था, लेकिन मैं डबल सोल्ट की बात करता हूं। डबल सोल्ट का मतलब क्या होता है, द्विक लवण, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विक लवण बोलते हैं। डबल सोल्ट का मतलब होता है ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनको जलीय विलयन में मिलाया जाता है, या फिर जिनको जलीय विलयन में घोला जाता है तो वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। इसका मतलब, लेट सपोज मैं एक जिंदा प्राणी हूं, ठीक है, मैं जिंदा मनुष्य हूं, अगर मेरे को आग के हवाले कर दिया जाएगा, अगर मेरे को आग के हवाले कर दे, आग के अंदर डाल दे, तो क्या पूरा भस्म हो जाऊंगा ना भाई मैं, अरे जल के राख हो जाऊंगा ना, तो क्या आप पहचान सकते उस राख के अंदर से कि ये सोहेल सर है भाई? अरे भाई, मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं, मैं जल के इधर साइड में
गिर गया, साइड में मेरी राख रखी हुई है, तो क्या आप लोग आके पहचान सकते हो कि ये सोहेल सर की राख है? ठीक है, नहीं पहचान सकते हो ना, मतलब उसने आइडेंटिटी को लूज कर दिया। सो बेसिकली क्या होता है, जो डबल सोल्ट होते हैं, डबल सोल्ट को जब एक जल में, जैसे मान लीजिए ये आपका वाटर है, ठीक है, ये आपका वाटर है, जब इसमें डबल सोल्ट को मिलाया जाता है तो इस वाटर के अंदर डबल सोल्ट पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पूर्णतया अपने आयनों में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं। जब इस पानी के अंदर में डबल सोल्ट को मिलाऊंगा तो डबल सोल्ट क्या करते हैं? आयनित हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं, इनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है। से यस और नॉट, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, डबल सोल्ट को जब पानी के अंदर मिलाया जाता है तो वो कंप्लीटली अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या बोल सकते हो डबल सोल्ट के लिए, कि अगर मैं हिंदी इंग्लिश में लिखता हूं भाई, दोस कंपाउंड विच आर स्टेबल इन क्रिस्टल फॉर्म, ठीक है, वो अपने क्रिस्टल फॉर्म में क्या होते, स्टेबल होते। लेट सपोज, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, और मैं क्या स्टेबल इन क्रिस्टल फॉर्म, एन गेट 100% आयोनाइजेशन, 100% आयोनाइजेशन इन एक्वस मीडिया, यस और नॉट, इन एक्वस मीडिया, ठीक है। अब हिंदी में मैंने बोल दिया है, आप लोग हिंदी में भी लिख सकते हो कि डबल सोल्ट उन एडिशन कंपाउंड को कहा जाता है जिनको जलीय विलयन में मिलाने पर उनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, मतलब वो अपने अलग अलग आयनों का टेस्ट पॉजिटिव देते हैं। आप लोगों ने फिटकरी का नाम सुना है जी, फिटकरी आती है, आप लोगों ने नाम सुना है फिटकरी का बेसिकली हम लोग यूज क्या करते हैं, आप लोगों या तो वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। देखो, जो पानी की होद बनाते हैं अपन घर के अंदर, तो कई लोग उनके पानी की होद के अंदर फिटकरी को मिला देते हैं। फिटकरी बेसिकली वाटर प्यूरिफिकेशन का काम करती है। और जो लड़के लोग शेविंग करने के लिए जाते हैं, तो शेविंग करने के बाद में जो आपका जो बार्बर होता है वो आपके एक व्हाइट कलर की टिकिया लगाता है ना, वो टिकिया खून को रोकने का काम करती है, और वो टिकिया फिटकरी की होती है। देखना भाई, जैसे फिटकरी का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या ये होता है कि मैं आपको बताता हूं, जैसे K2SO4 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 24H2O। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, तो जब मैं देखो जी K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, तो ये क्या होता है, अपने क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है, स्टेबल होता है। से यस और नॉट। और मैं क्या कह रहा हूं, जब मैं इसको वाटर के अंदर मिलाता हूं तो ये पूर्णतया आयनित हो जाता है, मतलब ये पोटेशियम प्लस आयन भी देगा, ये SO4-2 आयन भी देगा, ये Al+3 आयन भी देगा, ठीक है, और ये SO4-2 यहां से आयन देगा। मतलब जब इनको पानी के अंदर मिलाया जाता है तो पोटेशियम का भी क्या रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, सल्फेट का भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और एल्यूमिनियम प्लस 3 का भी रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। तो आप लोग क्या कह सकते हो, डबल सोल्ट उन सोल्ट को कहा जाता है जिनको अगर हम लोग वाटर के अंदर मिला दे तो वो क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनित हो जाते हैं, मतलब अपने अपने आयनों में सेपरेट हो जाते हैं या अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल फिटकरी का हो गया, मैं सेकेंड एग्जाम्पल की बात करता हूं। एक एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O, दिस वन इज कार्नेलाइट। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछता है, दिस वन इज कार्नेलाइट, KCl MgCl2 डॉट 6H2O। जब मैं इसको वाटर के अंदर मिला दूं तो यहां पे कौन कौन से लवण प्राप्त, सॉरी कौन कौन से आयन मिलेंगे, यहां से देखो पोटेशियम आयन मिलेगा आप लोगों को, यहां से Cl- मिलेगा, और यहां से Mg+2 आयन मिलेगा, मतलब ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। तो दो एग्जाम्पल किसके होते हैं, ये डबल सोल्ट के एग्जाम्पल होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। बेसिकली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नेलाइट बोलते हैं। क्या नाम इसका, कार्नेलाइट। और कार्नेलाइट का यूज हम लोग करते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर करते हैं, बेसिकली पोटाश के रूप में ये काम में लिया जाता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे भाई, ऐसे
ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनको जलीय विलयन में मिलाया जाता है तो उनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, उन्हें डबल सोल्ट कहा जाता है। एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, भाई ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनको जलीय विलयन में मिला दे तो उनका 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्वस मीडियम में भी क्या होते, स्टेबल होते हैं, और क्रिस्टल फॉर्म के रूप में भी क्या होते, स्टेबल होते हैं। तो आप लोग क्या बोल सकते हो, इनका इनका 100% आयोनाइजेशन नहीं होता। आयोनाइजेशन मतलब आयनित नहीं होते, नहीं होता, से यस और नॉट, ठीक है। फॉर एग्जांपल कल आप लोगों ने एक एग्जांपल को डिस्कस किया था, K4FeCN6। आप मेरे को एक बात बता दीजिए, क्या ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाता है क्या? जब आप इसको एक्वस मीडिया में मिलाते हो तो एक्वस मीडिया में आपको क्या मिलता है, एक तो पोटेशियम प्लस आयन मिलता है और एक मिलता है FeCN6-4 मिलता है। तो आप लोगों को पता क्या चला, जब हम इसको एक्वस मीडिया के अंदर मिला दिए तो आपको दो प्रकार के आयन मिले, एक तो पोटेशियम आयन और एक पूरा कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे ना तो आयरन प्लस टू का टेस्ट देखने को मिलता है और ना ही आपको CN माइनस का टेस्ट देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हुआ। तो क्या कह सकते हो, ऐसे कंपाउंड जो जलीय विलयन के अंदर मिला दे, ऐसे कंपाउंड को जब जलीय विलयन के अंदर मिलाया जाता है तो कंप्लीटली आयनित नहीं होते, 100% आयोनाइजेशन नहीं होता है। कौन से कंपाउंड कहलाते, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते। समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, देखो ये तो आपके सिलेबस के अंदर है नहीं, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा आपका चैप्टर है, से यस और नॉट। तो बेसिकली हम लोगों ने दो प्रकार के कंपाउंड डिस्कस किए हैं। सबसे पहले एक बार आप लोग सुन लीजिएगा, एडिशन कंपाउंड की बात करता हूं तो एडिशन कंपाउंड का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक सोल्ट को आपस में मिलाया जाता है तो एडिशन कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। बेसिकली ये दो प्रकार के होते हैं, डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सोल्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनको जलीय विलयन में मिला दे तो उनका 100% आयोनाइजेशन हो जाता है, डबल सोल्ट कहलाते हैं। ऐसे एडिशन कंपाउंड जिनको जलीय विलयन में अगर मैं मिला दूं तो वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, डबल सोल्ट कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल फिट करी का एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिया है, मैंने आप लोगों को कार्नेलाइट का एग्जांपल दिया है, ठीक है, क्योंकि जब इनको जलीय विलयन के अंदर मिलाया जाता है तो जितने भी इनमें आयंस मौजूद होते हैं सब आयनों में ये टूट जाते हैं। समझ पा रहे हो आप सब लोग, ठीक है। तो अब मैं सेकंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की बात करता हूं, तो ऐसे कंपाउंड जिनको जलीय विलयन के अंदर मिला दे तो दो प्रकार के आयन प्राप्त होते हैं, एक तो सिंपल आयन प्राप्त होता है और एक कॉम्प्लेक्स आयन प्राप्त होता है। ये कंप्लीटली आयोनाइज्ड नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहलाते हैं। आपको समझ में आया? ओके, अब डबल सोल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बाद में हम लोग डिस्कस कर दें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, उनको डिस्कस करेंगे कि क्या मेटल आयन होता है, क्या लिगेंड्स होते हैं, क्या टाइप्स ऑफ लिगेंड्स होते हैं, वो सब हमारा चर्चा का विषय बनने वाला है। सो आप लोगों को ये मेरी बातें समझ में आ रही है? चलो फटाक से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको दो एग्जाम्पल याद होने चाहिए, फिटकरी और कार्नेलाइट, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में दोनों सवाल पूछता है। ओके, चलो प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिल देन आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर मूव करते हैं। फटाफट आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो आप सभी लोगों ने अभी देखा होगा क्या डबल सोल्ट होता है, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, क्या डबल सोल्ट होता है और क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है। बड़े शानदार तरीके से हम लोगों ने इसको डिस्कस किया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। एग्जाम में सवाल नहीं पूछता है लेकिन बेसिकली अपने को पता होना चाहिए व्हाट इज डबल सोल्ट एंड व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, आप लोगों को सब पता लग गया होगा। सो अब हम लोग शुरू करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली, ठीक है, इंपॉर्टेंट शब्दावली को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम पहली बात शुरू करेंगे, व्हाट इज केंद्रीय परमाणु, व्हाट इज केंद्रीय परमाणु और आयन, केंद्रीय परमाणु एवं आयन, क्या केंद्रीय परमाणु और आयन होता है। अब यहां से प्लीज आप सब लोग ध्यान से देखना भाई,
और बड़े सुकून से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे, एहसास करेंगे, इसको फील करेंगे भाई, फील करेंगे और इसको अपने दिल में उतारेंगे, ठीक है। चलो, बेसिकली आप लोगों ने कल देखा होगा K4FeCN6 का होल, K4FeCN6 था और उसमें जो आयरन था वो क्या था, केंद्रीय परमाणु या आयन था, क्या था भाई, केंद्रीय परमाणु था। तो बेसिकली केंद्रीय परमाणु क्या होता है, केंद्रीय परमाणु या आयन, केंद्रीय परमाणु या आयन, इनके पास में क्या होते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, और उन खाली कक्षकों के अंदर क्या आ जाते हैं, लिगेंड के द्वारा लोन पेयर आ जाते हैं। सो मैंने आपको कहा था केंद्रीय परमाणु के पास में खाली कक्षक पाए जाते हैं और ये खाली कक्षकों के अंदर लोन पेयर को ले लेते हैं। अरे इनको चाहत होती है लोन पेयर की, ये लोन पेयर को लेना चाहते हैं। अगर जो लोन पेयर को लेता है ना, उसको हम बोलते हैं लुइस अम्ल, क्या बोलते हैं, लुइस अम्ल, और जो लोन पेयर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, लुइस शार बोलते हैं। तो केंद्रीय परमाणु क्या होती है, इनके पास क्या होता है, खाली कक्षक होते हैं, इनके पास क्या होते हैं जी, खाली कक्षक होते हैं, और खाली कक्षकों के अंदर, ये खाली कक्षकों के अंदर क्या लेना चाहते हैं, ये लोन पेयर को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लोन पेयर लेना चाहते हैं, लोन पेयर लेना चाहते हैं, इनको चाहत होती है लोन पेयर की, यस और नॉट। चलो ठीक है, ऐसी कोई स्पीसीज जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है, लोन पेयर को ग्रहण करती है, लुइस अम्ल कहलाती है। सो आप लोग क्या बोल सकते हो, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, लुइस अम्ल की तरह बिहेव करते हैं, से यस और नॉट। लुइस अम्ल का मतलब क्या होता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले, लोन पेयर एक्सेप्ट करने वाले, से यस और नॉट। ऐसी कोई स्पीसीज जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करती है, क्या कहलाती है, लुइस अम्ल कहलाती है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं जी, K4FeCN6, देखो वही एग्जांपल घूम फिर के आ रहा है, ठीक है। तो जो K4FeCN6 है, इसके अंदर मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाता है आप लोगों का, केंद्रीय परमाणु कहलाता है, सेंट्रल एटम कहलाता है, और ये सेंट्रल एटम किसकी तरह बिहेव करता है, लुइस अम्ल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। और लुइस अम्ल की तरह बिहेव क्यों कर रहा है, क्योंकि ये लिगेंड के द्वारा क्या ले लेता है, लोन पेयर ले लेता है, क्या एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है। सो किसकी तरह व्यवहार करते हैं, ये लुइस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, से यस और नोट, ठीक है। चलो, तो केंद्रीय परमाणु और आयन के बारे में आप लोग समझ चुके हो। दूसरी जो बात आती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिगेंड की बात आती है भाई, लिगेंड की बात आती है। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड बेसिकली कोई परमाणु हो सकता है, सुनना बड़े ध्यान से, लिगेंड बेसिकली कोई परमाणु हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि परमाणु हो, कोई आयन भी हो सकता है या फिर कोई अणु भी हो सकता है, कोई परमाणु हो सकता है, कोई आयन हो सकता है या फिर कोई अणु हो सकता है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। मैंने क्या बोला, लिगेंड क्या होते हैं, केंद्रीय परमाणु को, केंद्रीय परमाणु को लोन पेयर डोनेट करते हैं, और जो लोन पेयर देता है ना भाई, जो लोन पेयर देता है किसकी तरह व्यवहार करता है, लुइस शार की तरह व्यवहार करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं, किसकी तरह बिहेव करेगा, लुइस शार की तरह बिहेव करेगा, और लुइस शार की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि लोन पेयर को क्या होता है, देता है, लोन पेयर देता है। सो मेरे को एक बात बता दो, यहां कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब यहां पे तो कौन होता है, दाता होता है, और यहां पे कौन होता है, ग्राही होता है। दाता कौन कहलाता है, जल्दी बोलो बेटा जी, लिगेंड होता है ना भाई, यही तो लोन पेयर को देता है। और ग्राही कौन कहलाता है, अरे मेटल क्या कहलाती है, ग्राही कहलाती है। किसकी तरह बिहेव करता है, लुइस बेस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह बिहेव करता है, लुइस एसिड की तरह व्यवहार करता है। से यस और नॉट, आप लोग समझ पा रहे हो क्या। सो बेसिकली क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए लोन पेयर देने वाला भी होना चाहिए और लोन पेयर लेने वाला भी होना चाहिए। क्या दो बातें आपको समझ में आई क्या, मेटल किसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आप लोग क्या बोलोगे, सर मेटल के पास में क्या होते हैं, खाली कक्षक होते हैं, और वो लिगेंडों से क्या ले लेते हैं, लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और ऐसी स्पीसीज जो लोन पेयर को लेना चाहती है,
लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करती है। अब लिगेंड की बात करता हूं, लिगेंड कोई परमाणु हो सकता है, कोई अणु हो सकता है या फिर कोई आयन हो सकता है जो कि केंद्रीय परमाणु को लोन पेयर देने की कोशिश करते हैं या लोन पेयर देना चाहते हैं। किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस शार की तरह बिहेव करते हैं। सो आप लोग क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए, उपसह संयोजक बंध बनने के लिए एक तो दाता का होना जरूरी है और ग्राही का होना जरूरी है। तो एक तो देने वाला होना चाहिए और एक लेने वाला होना चाहिए। तो देने वाला कौन कहलाता है? लिगेंड कहलाता है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। लेने वाला कौन कहलाता है? मेटल कहलाता है जो कि लोन पेयर को एक्सेप्ट करती है। सॉरी, देने वाला किसकी तरह बिहेव करता है? लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है और लेने वाला लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। सो ये दो टर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर देखते हो ना, अलग अलग लिगेंड होते हैं। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा H2O लिगेंड की तरह बिहेव करता है, NH3 भी लिगेंड की तरह बिहेव करता है, CO भी लिगेंड की तरह बिहेव करता है, NO2 भी लिगेंड की तरह बिहेव करता है, हाइड्राइड भी लिगेंड की तरह बिहेव करता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारे लिगेंड मौजूद हैं। सो उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। सो आप लोग इधर देखिएगा भाई, उसके बाद आप सब लोग डाल दिए नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स ऑफ लिगेंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। लिगेंड के टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, देखो यहां से आपका बेस ही बनेगा। एग्जाम में ये सवाल नहीं पूछता बीएससी फाइनल वालों को, बट सेकंड ईयर में पूछ सकता है। लेकिन प्लीज आप लोग लेक्चर सारे देखें, क्योंकि अगर आपका बेस नहीं बनाना भाई तो मजा नहीं आने वाला। ओके चलो, अब देखो लिगेंड के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिगेंड। देखो शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे इसको, टाइप्स ऑफ लिगेंड। अब एक बात बताओ, टाइप्स ऑफ लिगेंड, देखो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड। मैं आपको एक कॉमेडी की तरह समझाने की कोशिश करूंगा। देखना जी, मान लीजिए लिगेंड का काम क्या होता है, लोन पेयर को डोनेट करना। देखो मेरे साथ में आप बोलते रहिए, पर मैं चेक कर लेता हूं क्या दिख रहा है क्या सब। हाँ सुनना जी, मैं क्या कह रहा हूं, लिगेंड का काम होता है लोन पेयर को डोनेट करना, मतलब इसके पास में डोनर साइट होती है। किसी मॉलिक्यूल या किसी परमाणु या किसी आयन के अंदर एक साइट ऐसी होती है जिसके द्वारा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। ठीक है, लेट सपोज अब मान लीजिए किसी लिगेंड के पास में एक ही साइट ऐसी हो जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, किसी लिगेंड के पास में दो साइट भी हो सकती है, किसी लिगेंड के पास में तीन भी हो सकती है, किसी लिगेंड के पास में चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है, छह भी हो सकती है। तो लिगेंड कितनी साइट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, लिगेंड कितनी साइट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके आधार पर उसका वर्गीकरण किया जाता है। मान लीजिए लिगेंड एक ही साइट से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, उसको बोलते हैं मोनोडेंटेट। क्या बोलते हैं? मोनोडेंटेट। अगर मान लीजिए एक दंतुक, हिंदी में बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? एक दंतुक। और अगर मान लीजिए आपका कोई लिगेंड दो साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, दो साइट से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विदंतुक लिगेंड बोलते हैं। माना कोई आपका लिगेंड तीन साइटों से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, उसको क्या बोलते हैं? त्रिकदंतुक लिगेंड बोलते हैं। अगर कोई चार से करे तो, मतलब चार से ज्यादा से करे, पांच से करे, छह से करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बहुदंतुक लिगेंड बोलते हैं। तो मैंने क्या बोला, लिगेंड इलेक्ट्रॉन कितनी साइट से डोनेट करता है, मतलब किसी स्पीशीज के पास में ऐसी कितनी साइट है जिस साइट से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, उसके आधार पर उसका नाम दिया जाता है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट मोनोडेंटेट लिगेंड। ठीक है, एक तो कौन सा होता है? मोनोडेंटेट। और मोनोडेंटेट का मतलब क्या होता है, जो इसको हिंदी में बोलते हैं एक दंतुक, मतलब इसके पास में एक साइट होती है इलेक्ट्रॉन को देने के लिए। ठीक है, दूसरा होता है बाइडेंटेट। ठीक है, इसको बोलते हैं द्विदंतुक, मतलब इसके पास में कितनी साइट होती है देने के लिए, दो साइट होती है। चलो ठीक है, एक होता है पॉलीडेंटेट। ओके, इसका मतलब इसमें कितनी होती है, बहु होती है, बेटे की बहु नहीं, बहु मतलब बहुत सारी, मतलब इसके अंदर क्या होता है,
इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, दो से ज्यादा साइट होती है या दो से ज्यादा ऐसी पोजीशन होती है जहां से ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। और कई लिगेंड ऐसे होते हैं जिनके पास में दो पोजीशन होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, लेकिन एक समय में वो एक के साथ ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाता है। समझाने की कोशिश करूंगा कि वो क्या होता है, ठीक है, उनको बोलते एम्बीडेंटेट लिगेंड, बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चर्चा में लेकर आऊं मोनोडेंटेट लिगेंड, समझने की कोशिश करना, सारे जितने भी लिगेंड है ऑलमोस्ट हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मोनोडेंटेट लिगेंड, एक दंतुक, एक दंतुक का मतलब क्या होता है कि ऐसे लिगेंड जिनके पास एक डोनर साइट होती है, जिनके पास एक डोनर साइट होती है, मतलब एक ही जगह से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, एक डोनर साइट होती है, यस और नोट, क्या कहलाते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। समझने की कोशिश करना, यहां पे मैं लिखता हूं लिगेंड, ओके, और यहां पे लिखता हूं मैं उनका नाम, ओके, और यहां पे लिखता हूं उनपे क्या चार्ज होता है। समझने की ट्राई करना पूरी पूरी। लिगेंड बेसिकली नेगेटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। देखो सबसे पहले जिस लिगेंड की बात करता हूं, मैं बात करता हूं H2O की। H2O के अंदर देखो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सो ये H2O लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, किसको, सेंट्रल मेटल को लोन पेयर दे सकता है। तो इसका नाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्वा, क्या बोलते हैं जी, एक्वा बोलते हैं, ओके। क्या इसमें कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना भाई, ना तो पॉजिटिव नजर आ रहा है और ना ही नेगेटिव नजर आ रहा है, तो ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जीरो, ओके। मैं अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं तो मैं लिखता हूं अमोनिया, ठीक है, आप सब लोग जानते हो अमोनिया के पास में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है और ये इस लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। और जब लोन पेयर को डोनेट कर देगा तो लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, एक ही साइट है डोनेट करने के लिए, इसका नाम क्या होता है, जल्दी बोलो एमीन, इसको बेसिकली एमीन बोलते हैं, एमीन आर एन एच टू होता है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेशन में अमीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इस पे कौन सा चार्ज होता है, न्यूट्रल चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है, ओके। चलो मैं नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं, मैं सीओ की बात करता हूं, दिस वन इज ऑल्सो मोनोडेंटेट लिगेंड और इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, क्या बोलते हैं जी, कार्बोनिल, और इसके पास भी चार्ज कितना, जीरो होता है, यस और नॉट। चलो ठीक है, एक होता है भाई एनो, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोसिल बोलते हैं, क्या कहते हो भाई, नाइट्रोसिल बोलते हो, नाइट्रोसिल बोलते हो, इसके भी चार्ज कितना होता है, जीरो, ये सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है भाई, ठीक है। एक होता है PH3, कौन सा होता है जी, PH3, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, फोस्फीन बोलते हो, क्या नाम है इसका भाई, फोस्फीन नाम है, देख लो भाई सारे ऑलमोस्ट मैं यहीं पे बढ़ा दूंगा भाई, फोस्फीन, और इस पे भी चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। एक होता है PH3, क्या होता है, PPH3, मतलब ऐसे मौजूद है ये फॉस्फोरस, एंड यहां पे लगी हुई है फेनिल रिंग, इधर भी कौन लगी हुई है, फेनिल रिंग, समझने की कोशिश करना, यहां भी कौन लगी हुई है, फेनिल रिंग, दिस वन इज ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, और यहां पे लोन पेयर होता है, इसको डोनेट कर देता है, क्या नाम इसका भाई, ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ओके, जिसपे चार्ज कितना होता है, जीरो, समझने की कोशिश करना। तो मैंने ये अभी ऐसे लिगेंड लिखे हैं जो कि न्यूट्रल होते हैं, ओके, जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। अब मैं कुछ ऐसे लिगेंड बताऊंगा जिन पर चार्ज मौजूद होता है, क्या होता है, चार्ज उपस्थित होता है। सो ये जो मैंने लिगेंड लिखे हैं सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड होते हैं और जिनके पास चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। अब मैं कुछ ऐसे लिगेंड लिखूंगा जिनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है, स्क्रीनशॉट आप बिना बोले ले लिया करो भाई, मैं कभी कभी बोर्ड से हटता हूं ना, ले लिया करो, नोट्स भी आपको साथ साथ बनाने, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं भाई, मोनोडेंटेट कहलाते हैं। चलो वेरी गुड, आप लोगों ने देखा इन पे कोई चार्ज मौजूद नहीं था। अब मैं कुछ ऐसे लिगेंड लिखता हूं जिन पे चार्ज मौजूद होता है। देखो आप लोगों ने देखा होगा X माइनस,
एक्स माइनस, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेलाइडो बोलते हैं, हेलाइडो। और इस पे चार्ज क्या होता है जी, माइनस वन होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक्स माइनस की जगह एफ माइनस हो सकता है, सी एल माइनस हो सकता है, बी आर माइनस हो सकता है और आई माइनस हो सकता है, ठीक है। अगर एफ माइनस हो तो फ्लोरो, सी एल माइनस हो तो क्लोरो, ब्रोमो आयोडो इसका नाम हो जाता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, इन पे कौन सा चार्ज, देखो माइनस वन नजर आ रहा है, तो ये भी क्या कहलाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाता है। एक होता है एच माइनस, ठीक है, एच माइनस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रिडो, क्या बोलते हैं भाई, हाइड्रिडो, हाइड्रिडो बोलते हैं। और इस पर भी कौन सा चार्ज होता है, माइनस वन चार्ज होता है, ठीक है। एक होता है जी सी एन माइनस, कौन सा होता है, सी एन माइनस। एक होता है भाई ओ एच माइनस, हाँ जी, इसको हम लोग क्या बोलते हो भाई, साइनो बोलते हो, क्या बोलते हो, साइनो बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, हाइड्रोक्सो बोलते हो, हाइड्रोक्सो बोलते हो। और इस पर भी माइनस वन चार्ज होता है और इस पर भी माइनस वन चार्ज होता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिगेंड मैंने आपको बताया, भी बहुत सारे लिगेंड है भाई, बहुत सारे लिगेंड मौजूद हैं। तो ये ऐसे लिगेंड होते हैं जिनके पास में एक ही देने के लिए साइट होती है और इन पे चार्ज क्या होता है, माइनस वन होता है। अब मैं कुछ ऐसे लिगेंड बताता हूं जिनके ऊपर माइनस टू चार्ज भी होता है, कईयों पर माइनस थ्री भी होता है, ठीक है। तो फटाफट देखते इसको अपन भाई, काफी लेंथी लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। देखो जी, मैं यहां पे लिखता हूं SO4 माइनस टू, क्या लिखता हूं भाई, SO4 माइनस टू, इसको हम क्या बोलते हैं, सल्फेटो, क्या बोलते हैं जी, सल्फेटो बोलते हैं। और इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, माइनस टू चार्ज होता है, यस और नॉट। एक होता है भाई O माइनस टू होता है और एक होता है O2 माइनस टू, O माइनस टू, O2 माइनस टू, इसको बोलते हैं ऑक्सो और इसको बोलते हैं पर ऑक्सो। और दोनों पे कौन सा चार्ज होता है भाई, माइनस टू चार्ज होता है। बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप लोग बुक्स में वगैरह में देख रहे हैं, तो अगर इन्हीं को लिखाने लगे ना तो दो चार घंटे तो इन्हीं में निकल जाएंगे भाई। लेक्चर को फिनिश भी तो करना है भाई, शुरू कर दिए, पूरी रात थोड़ी निकालनी है अपने को, लेक्चर को फिनिश करना है, एडिट करना है, उसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं। तो आप लोग क्या समझे मोनोडेंटेट से, अरे भाई ऐसे लिगेंड जिनके ऊपर क्या होता है, एक ही डोनर साइट होती है, देने के लिए एक ही साइट होती है, एक दंतुक लिगेंड कहलाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो डोनर साइट होती है देने के लिए। देने के लिए किसको, अरे किसको देगा, आपको और मेरे को थोड़ी ना देगा, किसको देता है, केंद्रीय परमाणु को देता है। लोन पेयर किसको डोनेट करता है, केंद्रीय परमाणु को डोनेट करता है। सो मैंने क्या बोला, द्विदंतुक लिगेंड की अगर बात की जाए तो क्या कहोगे आप सब लोग, देखना जी साफ करता हूं इसको मैं, कुछ दिनों के अंदर भाई आप लोगों के लिए भाई हम देखो कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे, अभी अपनी शुरुआत है ना भाई। सो हम देखो एक कैमरा भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, एक कैमरा लेके आएंगे बढ़िया आप लोगों के लिए, बढ़िया सा बोर्ड लेकर आएंगे, टेंशन मत लीजिए आप सब लोग, बट आप लोग लेक्चर बढ़िया देखो भाई, लेक्चर देखते रहो, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ द्विदंतुक लिगेंड की, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड। एक बात बताना बेटा जी, द्विदंतुक का मतलब क्या होता है, दो देने वाली साइट, क्या होती है, दो देने वाली साइट। ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड क्या बोल सकते हो, ऐसे लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास, जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, ऐसे बोल दो, जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं, दाता मतलब देने वाले, दो दाता परमाणु हो, क्या कहलाते हैं, बोलो बेटा जी, बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो दाता परमाणु होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल है वो देख लीजिए। जैसे पहले एग्जाम्पल की बात करता हूं, वो होता है C2O4-2, इसको बोलते हैं ऑक्सेलेटो, क्या बोलते हैं जी, ऑक्सेलेटो कहा जाता है। और इसकी जो संरचना होती है वो ये होती है COO-, दाता परमाणु कितने भाई, जल्दी बोलो बेटा जी, अजी बोल दो ना, दाता परमाणु कितने होते हैं, आप लोग बोलोगे सर दो, और दोनों ही क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं। इसके ऊपर आवेश कितना होता है, जल्दी बोलो बेटा जी, माइनस टू, कितना होता है जी, माइनस टू होता है, करेक्ट, समझ पा रहे हो। एग्जाम्पल नंबर टू की बात करता हूं जी,
एग्जाम्पल नंबर टू होता है ईएन, कौन सा होता है ईएन, इसका पूरा नाम है एथिलीन डाइएमिन, क्या नाम है जी, एथिलीन डाइएमिन, एथिलीन डाइएमिन, एथिलीन डाइएमिन इसका पूरा नाम होता है। एथिलीन किसको बोलते हैं, देखो देखो आप लोगों ने, अरे वही टॉपिक आ रहा है भाई, मेथिलीन किसको बोलते हैं, अगर CH4 में से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर दूं तो मेथिलीन बनता है, और अगर एथेन के अंदर से दो हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं तो क्या बनता है, एथिलीन बनता है, इसको बोलते हैं एथिलीन समूह है, इसको आप लोग क्या बोलते हो, एथिलीन समूह बोलते हैं। एथिलीन हो गया, डाइएमिन का मतलब होता है इधर भी NH2 लगा हुआ है और इधर भी NH2 लगा हुआ है। मेरे को एक बात बता दो, नाइट्रोजन के पास में क्या लोन पेयर होता है, यहां भी नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और यहां से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, किसको, सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो दाता परमाणु कितने, जल्दी बोलो बेटा जी, आप लोग बोलेंगे दाता परमाणु सर दो मौजूद है और दोनों कौन से है भाई, नाइट्रोजन है, यस और नॉट। चार्ज कितना रहेगा, आवेश बोलो कितना रहेगा, आप लोग बोलेंगे कोई चार्ज नहीं है, जीरो, समझ पा रहे हो। एक होता है नेक्स्ट बढ़िया एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल ग्लाइसिनेटो, कौन सा होता है भाई, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ओके ग्लाइसिनेटो भाई ये होता है सी एच टू सी डबल ओ माइनस और यहां पर होता है एन एच टू। देखो बेटा जी कितने दाता परमाणु है, दाता परमाणु है दो, कितने हैं दो, एक तो कौन सा है नाइट्रोजन, एक कौन सा है ऑक्सीजन, एक तो नाइट्रोजन से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और एक ऑक्सीजन से लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, इनको हम बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड, क्या बोलते हैं जी, द्विदंतुक लिगेंड, ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो दाता परमाणु होते हैं द्विदंतुक लिगेंड कहलाता है, समझ में आएगा आप सब लोगों को। अब हम डिस्कस करेंगे बहुदंतुक लिगेंड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग। देखो द्विदंतुक में बेसिकली ऑक्सीलेटो यूज करते हैं, सबसे ज्यादा ये यूज के अंदर आता है, ईएन ज्यादा यूज में आता है, ग्लाइसिनेटो भी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, देख लो फटाफट देख लो, देख लिया होगा भाई आप लोगों ने। नेक्स्ट आप लोग डाल दीजिए हेडिंग पॉलीडेंटेट लिगेंड, फिर इसको लेक्चर को फिनिश करते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड, ओके चलो लेक्चर फिनिश होने वाला है, आप लोगों ने भाई इंजॉय भी किया होगा, मेरे गमों में मेरी हिस्सेदार नहीं लगती ये लड़की, मेरी कहानी का किरदार नहीं लगती, इसकी फिक्र करूँ तो हुकूमत बताती है यार ये लड़की मुझे समझदार नहीं लगती। पॉलीडेंटेड लिगेंड, थोड़ी बहुत शायरी हो जाए, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए ना तो थोड़े से गाने वाने सुन लिया करो, कुछ और कर लिया करो, ठीक है बढ़िया काम किया करो, ओके चलो। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो से ज्यादा दाता परमाणु होते, ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो से ज्यादा दाता परमाणु होते हैं। अरे कोई एक, मैं मुसलमान मेरा चलता है भाई, मैं मुसलमान मेरा चलता है, हमारे यहां अलाउड है चार शादी करना, ठीक है मान लीजिए मैं एक ही शादी कर लूं, एक शादी करके बैठ जाऊं तो मैं क्या कहलाता हूं, एक दंतुक लिगेंड, मेरी मेरे साथ में मेरी लुगाई भी चलेगी ना, पीछे पीछे चलेगी, जहां जाऊंगा वहां आएगी तो सही ना, बेसिकली देखने के लिए। और एक बात बताओ, अगर मैं दो शादी कर लूं तो द्विदंतुक कहलाऊंगा, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, एक तो बेसिकली कुछ भी एग्जांपल ले लो, और अगर मैं दो से ज्यादा से कर लूं तो बहुदंतुक कहला जाऊंगा, ठीक है मतलब वो सब मेरे को इलेक्ट्रॉन प्रदान करनी है, एक लुगाई आ गई तो एक लुगाई ने मेरे को इलेक्ट्रॉन दिए तो एक दंतुक, ठीक है चलो मैं मेटल हूं और वो क्या है लिगेंड है, तो दूसरी औरत आ गई तो उसने फिर से इलेक्ट्रॉन दिए द्विदंतुक, चार एक साथ आ गई चारों ने मेरे को इलेक्ट्रॉन दिए तो क्या कहलाएंगे भाई, पॉलीडेंटेट कहलाएंगे। सुनना भाई, एक शादी निभ जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो टेंशन मत लीजिए भाई, शादी एक ही करेंगे चलो। हाँ पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करता हूं तो बेटा जी मेरे को एक बात बताओ, दो से ज्यादा दाता परमाणु क्या लिखोगे, दो से ज्यादा दाता परमाणु, दाता परमाणु, ओके चलो एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखना जी सबसे जो बढ़िया एग्जांपल होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा EDTA होता है, कौन सा होता है EDTA, एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, क्या होता है भाई एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, टेट्रा
एसीटेट, ओके। इसके पास में छह देने के लिए साइट होती है, छह दाता परमाणु होते हैं, इनको हम लोग हेक्साडेंटेट लिगेंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई? हेक्साडेंटेट। देखना भाई क्या होता है, ईडीटी है, एथिलीन डाइएमिन। क्या होता है जी? एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट, ये होता है भाई। सॉरी, मैंने क्या बोला भाई? एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट का मतलब होता है इनके पास में छह दाता परमाणु होते हैं। देखना कैसे छह होते, मैं सिखाता हूं आप लोगों को, बहुत बढ़िया एग्जांपल है भाई। ये होता है एथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेट। एक ये भी होता है एथिलीन डाइएमिन ट्राई एसीटेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। देखो इसमें दाता परमाणु कितने हैं? दाता परमाणु देखना भाई, आप लोग चेक करके बताओ, आप लोग बोलोगे दाता परमाणु के अंदर चार तो कौन है? एक दो तीन चार, चार तो कौन है? ऑक्सीजन है, और दो कौन है? नाइट्रोजन है। तो छह जगह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? हेक्साडेंटेट। क्या बोलते हैं जी? हेक्साडेंटेट कहा जाता है। बेसिकली एक ही एग्जांपल आप लोग पढ़ लो, बहुत होते हैं। एक होता है भाई एथिलीन डाइएमिन ट्राई एसीटेट, एक होता है टेट्रा एसीटेट। तो आप लोगों ने क्या डिस्कस किया है जी? आप लोगों ने डिस्कस किया है मोनोडेंटेट क्या होता है, बाईडेंटेट क्या होता है, पॉलीडेंटेट क्या होता है। कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। क्या कहते हैं भाई? एम्बीडेंटेट लिगेंड। वो भी आप लोग लगे हाथ देख लो भाई, लगे हाथ देख लो भाई। एम्बीडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो दाता परमाणु होते हैं, दो साइट होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, लेकिन एक समय में वो एक ही साइट को काम में लेते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये कोई आपकी मेटल होती है, इसको इस CN ने क्या कर दिए? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। कार्बन से भी कर सकता है और ये नाइट्रोजन से भी कर सकता है। इसको साइनो बोलते हैं, इसको आइसोसाइनो बोलते हैं, ठीक है। चलो एक होता है ये HCN हो गया, इससे कर सकता है, और ये मेटल को NCS से भी कर सकता है। आई क्या आप लोगों को बात समझ में? तो मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे लिगेंड जिनके पास में दो दाता परमाणु होते हैं या दो साइट ऐसी होती है जहां से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, लेकिन एक समय के अंदर वो एक ही साइट को यूज करते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड कहलाते हैं। समझ में आया क्या आप लोगों को? और भी बहुत सारे लिगेंड होते, चिलेटिंग लिगेंड होते, फ्लेक्सीबल लिगेंड होते, वगैरह 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 बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। तो ये बेसिकली लिगेंड के बारे में हो चुका है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सो अब यहाँ से आपके एग्जाम्स के सवाल शुरू होते हैं। VBT आप लोग पढ़ लोगे तो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इसीलिए। सो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप लोगों को सच में लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को आगे से आगे शेयर करें और लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया लेक्चर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।